नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विंग्स एंड व्हील में। और आज का वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, किस लिए शूट कर रहा हूँ वो ही बता देता हूँ। मैं आज का वीडियो जो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने हीरो GoPro 8 के लिए। और कई लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे कि भाई मैं किस कैमरे से शूट करता हूँ, तो नाउ आई एम शूटिंग फ्रॉम माई फ़ोन। और जो मेरी वीडियोज पड़ी हुई हैं मेरे चैनल्स पे, जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं अभी तक, उनमें से कुछ फ़ोन से मैंने शूट किया हुआ है और कुछ मैंने जो है अपने GoPro 8 से शूट किया हुआ है। तो अभी जो है अभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और आप फ़ोन की क्वालिटी भी देख सकते हैं कैसी आ रही है, ही आ रही होगी और जैसा है आप देख के बताइएगा। तो क्या है कि कई लोगों के मन में क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे शूट करता हूं, तो मैं हीरो GoPro 8 से शूट करता हूं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो हीरो GoPro 8 को परचेज करना चाहते हैं और कैसे परचेज करेंगे, क्या क्या सेटिंग्स हैं हीरो GoPro 8 की, क्या प्राइस है और हीरो GoPro 8 ही क्यों, इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। हीरो GoPro 8 इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी कैमरा अवेलेबल नहीं है जो आपके हेलमेट के अंदर माउंट, हेलमेट के ऊपर माउंट हो सके, हेलमेट हो या आपका हैंडल हो बाइक का। तो और ऐसा कोई भी कैमरा नहीं है जो इतनी रनिंग स्पीड में, आपकी बाइक रनिंग स्पीड में जब होती है तो इतना स्टेबलाइजेशन दे सके। तो मेन GoPro इसलिए ही बना है मेन स्टेबलाइजेशन के लिए। तो GoPro हीरो 8 कैमरा जो है स्टेबलाइजेशन के लिए ही है। अभी मैं घर पर ही हूँ और हीरो GoPro 8 के स्पेसिफिकेशंस और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा कि हीरो GoPro 8 से आपको कैसे शूट करना है, क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और उसका आपको व्यू भी दिखाता हूँ कैसे व्यू आता है। और आपको अगर ज़्यादा देखना हो तो मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो चलो हम आपको आज दिखाते हैं हीरो GoPro 8 कैसा दिखता है, कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज है और आप भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा हाई है और चेंज होता रहता है ऑनलाइन वेबसाइट्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो प्राइस का मैंने आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता कि प्राइस कितना होगा, बट एक अंदाज़ा बता देता हूं एक प्राइस जो है। अभी मैं हम लोग पहले GoPro हीरो 8 के बारे में देखेंगे, आज क्या क्या देखेंगे ये भी बता देता हूँ पहले ही। आज हम लोग सबसे पहले हीरो GoPro 8 के स्पेसिफिकेशन सीखेंगे, कैसे परचेज करना है, क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और शूट कैसे करना है। मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या सेटअप चाहिए, क्या क्या नीड होनी चाहिए आपके पास। और आज आपको दिखाता हूँ कानपुर का टूर, कुछ फुटेज GoPro 8 से, अभी आउटडोर में शूट करेंगे हम लोग। और अभी मैं जो ये शूट कर रहा हूँ ये सारा फ़ोन से ही है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होना कि क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि हीरो GoPro 8 की इंडोर क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकती है इससे। तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि इंडोर क्वालिटी कैसी, आउटडोर क्वालिटी कैसी है और फिर हम लोग शूट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हीरो GoPro 8 के स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के बाहर का थोड़ा सा व्यू, उसको थोड़ा सा आप इंजॉय करिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं हीरो GoPro 8 की तरफ। तो गाइज ये है मेरे बाहर का व्यू, मेरे घर के बाहर का, और ये अभी मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, बताइएगा क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि ये मेरे को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग जब GoPro 8 से आउटडोर शूट करेंगे उससे क्वालिटी और इसका कंपैरिजन करने के लिए ये शूट होना बहुत ज़रूरी था, इससे आपको पता चल पाएगा कि क्या है। और मैंने यहाँ पर अपने गमले वगैरह लगा रखे हैं और ये मेरा पूरा टेरेस है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ से आपको थोड़ा सा उस तरफ दिखाता हूँ, ये नीचे आप देख पाइए, नीचे भी कार पार्क है और ये यहाँ का नज़ारा है। तो ये है यहाँ आपके फ़ोन की फुटेज सारी। अब मैं आपको ले चलता हूँ हीरो GoPro 8 की तरफ और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हीरो GoPro 8 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे आपको शूट करना है, कैसे परचेज करना है, वो सारी वीडियो आप देखिए। तो भाई ये है कैमरा GoPro हीरो 8, इसको आगे पीछे से दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। यहाँ पे इसका बैटरी पड़ता है और ये बैटरी आप यहाँ से निकालेंगे ऐसे, और ये इसके अंदर का हिस्सा है, इसको बैटरी को आपको यहाँ पर लगा देना है।
तो 1700 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, और 1700 mAh में कितना रिकॉर्ड कर सकता है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पे मेमोरी स्लॉट है, ये मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड 128 GB का मैंने लगा रखा है, इससे ऊपर भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी आप स्टोरेज का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये इसका बैक साइड है, तो फ्रंट साइड मैंने आपको दिखाया, ये बैक साइड है। ये बैक साइड में ये स्क्रीन है पूरी इसकी, यहाँ पे ये आपको दिखाता है कि आपका क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आपके पावर बटन है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ करना है। और ये इसका लेंस है, तो ये 12 MP का कैमरा है, इसमें इनबिल्ट कैमरा है। और ये आपका 12 MP की फुटेज आपको निकाल के देता है। ऊपर से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी, इस साइड में भी बटन दिया हुआ है। और इसमें 3 माइक्स दिए हुए हैं। पहला फ्रंट माइक ये वाला है, माइक्स मतलब आवाज़ कैप्चर करने के लिए, पहला ये वाला है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको ये फिंगर्स के लिए दिया हुआ है, ये आपको अगर माउंट करना है कहीं पर तो कैमरा आप माउंट कर सकते हैं। और एक इसका माइक यहाँ पर दिया हुआ है, और एक माइक इसका और साइड में दिया हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये 3 टाइप के माइक्स हैं। यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ ब्लिंक करेगा कैमरा, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कैसा है इसका अंदर का स्पेसिफिकेशंस। तो ऑन करने के लिए आपको या तो ऊपर से ऑन कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके, या आप नीचे से यहाँ से साइड से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो आप देखिएगा, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा एंड ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स दिखाता है, चार चीज़ें दिखाता है, कितनी फुटेज आपने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, कितने वीडियोज आपके हैं, तो 15 वीडियोज हैं। मेमोरी कार्ड में अभी आप कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं वो इसमें दिखा रहा है, और कितने परसेंट आपकी बैटरी है, तो 89% बैटरी दिखा रही है। अब हम चलते हैं बैक स्क्रीन पे, तो ये इसका यहाँ से स्पेसिफिकेशंस है। और कैसे, देखिए बैटरी भी दिखा रहा है, ऊपर आपको बैटरी का सिंबल है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड का 3 hours 52 minutes आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे आप वीडियो शूट करने के लिए एक्टिविटी है 27, तो ये 4K 60 120 फ्रेम पर भी रिकॉर्ड कर सकता है। स्लो मोशन भी है, हाइपरलैप्स भी है, और इंडोर शूट करना है, आउटडोर शूट करना है, तो ये आपको सेटिंग्स लगानी पड़ेंगी। और मैं अभी 1080p पर और 30 frames पर रिकॉर्ड करता हूँ बेसिकली, तो क्या है कि उससे जो है लैपटॉप पर एडिट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप उससे ज़्यादा में शूट करेंगे, 4K पर शूट करेंगे, तो आपको लैपटॉप में एडिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है, और इसका अगर आप कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ऊपर से आप आइए और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से प्रेफरेंस पे जाके यहाँ पे आप कनेक्शंस है, जनरल है, वॉइस कंट्रोल है, टच स्क्रीन है, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब GoPro 8 की बात करते हैं, इसका क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी तो ठीक है, क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुपर फोटो भी ये क्लिक करता है, हाइपर लैप्स है, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन के साथ आपको वीडियो देता है। और मेन इसका मेन जो रीज़न है बाई करने का वो ये है कि ये जो है बहुत ही अच्छी स्टेबलाइज आपको फुटेज करके देगा, कहीं पे भी हिलेगी नहीं, और साउंड बहुत ही अच्छा कैप्चर करता है। बट कुछ कॉन्स भी हैं इसके, कॉन्स इस टाइप के कॉन्स हैं, कॉन्स ऐसे भी हैं कि अब इसके कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि इंडोर शूट करते हैं तो इंडोर शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी इसकी डल हो जाती है। और आपको ये भी फोटो मोड लगा हुआ है, ये वीडियो है, ये टाइम लैप्स है, तो जो आपको लगाना वो आप लगा सकते हैं। इसको बोल के भी आप ऑन कर सकते हैं और बोल के इसको बंद कर सकते हैं। तो देखिए मैं बोल के दिखाता हूँ GoPro, देखिए मैं बोलता हूँ GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे मैंने GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोला, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने स्टॉप बोला तो ये स्टॉप हो गया। GoPro स्टार्ट टाइम लैप्स, मैंने स्टार्ट टाइम लैप्स बोला तो ये टाइम लैप्स स्टार्ट हो गया। GoPro टर्न ऑफ, GoPro स्टॉप टाइम लैप्स, GoPro टर्न ऑफ। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। ये आपके वॉइस कंट्रोल भी है इसमें, वॉइस कंट्रोल आप देख सकते हैं। और
देखिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, GoPro टर्न ऑन। जैसे मैंने GoPro टर्न ऑन बोला तो ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो गया, आपको कहीं पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस कंट्रोल क्या क्या फीचर्स हैं तो ये आप यहाँ पे आके वॉइस कंट्रोल पर आके चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से वॉइस कंट्रोल पे कौन वॉइस इसमें दिया हुआ है। कमांड से ये आप कमांड्स में आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि आपको क्या बोलना है जिससे कि ये रिकॉर्ड कर पाए। तो इस टाइप का है ये, और आपके लिए इंडोर की क्वालिटी, अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो ये कैमरा मैं नहीं कहूँगा आपको परचेज करने के लिए, और अगर आप आउटडोर शूट करते हैं और मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो मस्ट है आपको ये कैमरा परचेज करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। बट मैं क्या है, मैं इंडोर भी और आउटडोर दोनों जगह शूट करता हूं, तो मेरे को आउटडोर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट इंडोर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को आ रही है। तो GoPro Hero 8 की ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताए, इसका प्राइस जो है Amazon पे आपको ये 32K के आसपास आपको मिल जाएगा, और एसेसरीज भी आपको मिल सकती हैं। आप रेट्स चेक करते रहिए, बहुत ज़्यादा रेट्स डाउन होते रहते हैं समय समय पर, तो रेट्स आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1700 mAh की बैटरी है। इसका जो बैटरी का टाइमिंग्स है, बैटरी का टाइमिंग ये है कि भाई ये एक घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी नहीं चलती है। आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो डबल बैटरी आपको लेके चलना होगा। तो मैंने बेसिकली एक बैटरी और परचेज कर लिया, जैसे कि ये मैंने बैटरी लिया हुआ है इसका, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये 1700 mAh की बैटरी है, और मैंने ये बैटरी एक्स्ट्रा परचेज की थी जिससे कि मुझे जो है प्रॉब्लम ना हो रास्ते के लिए। तो ये बैटरी है इसकी, बैटरी का प्राइस भी 1800 से 1900 रुपये के आसपास हो सकता है। प्लस इसको चार्ज करने के लिए आप अपने मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैप, इसका एक कैप आता है यहाँ पर लगाने के लिए, वो मैंने निकाल के भी रख दिया है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो इसमें माइक की प्रॉब्लम से आप यहाँ पे एक्सटर्नल माइक यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, कोई भी स्लॉट नहीं दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल माइक के लिए जैसे इन्होंने एक ये दिया हुआ है, स्लॉट्स नहीं है एक्सटर्नल माइक के लिए, ठीक, आप देख रहे हैं ना, कोई भी स्लॉट्स नहीं है। तो एक्सटर्नल माइक आप कैसे लगाएंगे अगर आपको माइक यूज करना है इसके लिए? तो मैंने उसके लिए परचेज किया मीडिया मोड, ये मीडिया मोड है, ये GoPro का मीडिया मोड मैंने परचेज किया था। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें आपको ये माइक मिल जाता है यहाँ पर लगाने के लिए, यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हैं इसको बाहर से लगा के, तो और ये इसके साउंड यहाँ से कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, बाहर से भी कैप्चर करता है प्लस आपके माइक से भी कैप्चर करता है। तो इसको इसके अंदर फिट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसको फिट करने के लिए हम इसके ऐसे इसको लगाते हैं, ये जो है इसके अंदर ऐसे सेट हो जाता है। सेट हो जाने के बाद आपको इसको बंद कर देना है। अब आपने बंद कर दिया, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है पूरा सेट बन गया, ये मीडिया मोड हो गया इसके ऊपर का, और ये पूरा कैमरा भी आपका सुरक्षित हो गया, प्लस जो एक्सपोज हो रहा था बैटरी वगैरह वो भी इसका बंद हो गया। अब यहाँ पे आप अपना माइक सेट कर सकते हैं, ये पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका माइक जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग के लिए। ऊपर ये मीडिया मोड के साथ ही एक लाइट कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं, उसका प्राइस अलग होगा, वो आपको परचेज करना होगा, ये सारी एसेसरीज आपको अलग से मिलेंगी। तो मीडिया मोड का प्राइस जो है मार्केट में आपको 6 से 6500 रुपये का पड़ेगा, कैमरा आपको 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा, प्लस आपको एक बैटरी लेनी होगी, और बैटरी के साथ साथ मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए। और हेलमेट किस लिए, जैसे ये है तो ये हेलमेट में माउंट होता है, ठीक है, ये भी इसी के साथ आपको मिलेगा, ये आपको 3M स्टिकर के साथ में, तो ये आप हेलमेट में माउंट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी, अगर आप घर में शूट कर रहे हैं तो आप घर पे चार्ज कर लेंगे, बट अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको बैटरियाँ चार्ज करनी होंगी, दो बैटरी होगी, तो बैटरी आपका केवल इसके जब आप रिकॉर्ड करते हैं तब बैटरी चार्ज नहीं होती है, आपको उसके लिए इसको बंद करना होगा, इसके बाद ही इसकी बैटरी चार्ज हो पाएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको शूट भी करना होगा। तो आपके लिए एक चार्जर भी आपका GoPro का आता है, पर मैंने GoPro का चार्जर नहीं परचेज किया था, मैंने एक कंपनी का चार्जर परचेज कर लिया था, ठीक है, ये बहुत ही सस्ता चार्जर था,
यूएसबी चार्जर है देखिए, और बहुत ही सस्ता है, और इस पर आप डबल बैटरी लगा के यहाँ पर इसको चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल चार्जर के थ्रू। तो ये भाई सीन है, और अभी मैं आपको इसकी कुछ क्वालिटी दिखाऊंगा बाहर जाकर, तो हम लोग बाहर चलते हैं, फिर मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग है GoPro Hero 8 की, और देखिए कितना फ़र्क है फ़ोन में और GoPro Hero 8 में। ये इंडोर की वीडियो है, इंडोर शूट कर रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा सा फ़र्क समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको रूम का थोड़ा सा व्यू दे दिया, क्योंकि रूम में इंडोर में GoPro थोड़ा सा लो लाइट में थोड़ा सा कम वर्क करता है, अच्छा वर्क नहीं करता। अब वही वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बाहर शूट किया था। तो ये देखो ये बाहर का नज़ारा है, ये GoPro 8 से है, और ये मैंने 1080p पर लगा रखा है 30 फ्रेम पर सेकंड पर। और ये मेरे भाई यहाँ पे गमले रखे हुए हैं, और ये हूँ मैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कितना फ़र्क समझ में आ रहा होगा आपको, और ये सुपर व्यू है तो इसमें थोड़ा सा वीडियो वाइड एंगल मिल जाएगा आपको 8 में। अभी हम लोग आउटडोर का वीडियो शूट करेंगे, तो आउटडोर में तो भाई इसका कोई भी जोड़ नहीं है। आउटडोर में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही समझ में आएगा, इंडोर का कुछ अलग ही समझ में आता है। तो हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और वहाँ पे देखते हैं इसका कैसा आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। चलिए मिलते हैं बाइक पर। अभी पानी आ गया था, तो पानी की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया, और देखो पूरे कानपुर में बारिश हो रही है। तो ये भाई फुटेज हैं GoPro Hero 8 से रिकॉर्ड हो रही हैं, और GoPro Hero 8 में क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हाइपर स्मूथ 2.0 और मोर स्टेबलाइजेशन एंड आपका 4x स्लो मोशन, और 4K में रिकॉर्ड करता है, 4K तक रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 120 FPS तक। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1080p पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी आप बताइएगा और स्टेबलाइजेशन भी बताइएगा कि कैसा आ रहा है। तो ये भाई सीन है, और बस इतना ही आपको दिखाना था, यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर व्यू और दिखाता हूँ। तो इस टाइप का नज़ारा है GoPro Hero 8 से ये रिकॉर्ड हो रहा है। बारिश में हम भी भीग चुके हैं, और हमने आपको GoPro Hero 8 की पिक्चर क्वालिटी, वीडियो, स्टेबलाइजेशन और बहुत कुछ दिखा दिया। और अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और बारिश में मैं भीग भी गया हूँ। तो ये है भाई यहाँ का साइट सीन कानपुर का, और बारिश हो रही है, खूब इंजॉय करिए आप भी। और आप साउंड क्वालिटी देखिएगा कि मैं फ्रंट से बोल रहा हूँ, फ्रंट इस माइक इसका कैप्चर कर रहा है, तो माइक मेरे ख्याल में तो अच्छा ही होगा। और आप देख लीजिएगा, आप परचेज करने लायक है तो आप परचेज करिए, GoPro Hero 8 में जाइए। अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो मस्ट है कि आपके पास GoPro का Hero 8, Hero 7 या कोई भी सीरीज का कैमरा आपके पास होना चाहिए। रिसेंटली अभी GoPro Hero 9 लॉन्च हुआ है, और आप जो Hero 9 भी परचेज कर सकते हैं, Hero 9 में भी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। मैंने अभी यूज नहीं किया है, अगर इन फ्यूचर मेरे को अगर चेंज करना होगा, स्विच करना होगा उस कैमरे की तरफ, तो मैं स्विच करूँगा। और अभी DSLR लेने का मैं सोच रहा हूँ कि एक DSLR ले लूँ, और अभी अपनी जर्नी भी पेंडिंग है, जर्नी भी मुझे स्टार्ट करनी है, और हो सकता है इन फ्यूचर मैं यूपी में कहीं पर जर्नी करूँ या MP में जर्नी करूँ। प्लान तो मैंने खजुराहो का किया था, पर खजुराहो का प्लान मेरा मिस हो गया। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से कुछ भी अभी ओपन नहीं है, कोई भी टेम्पल्स ओपन नहीं है और कोई भी साइट ओपन नहीं है। इनफैक्ट केदारनाथ का भी टूर मुझे करना है, तो जल्द से जल्द वीडियो आएंगी, अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तब तक हम कानपुर की ही वीडियो बनाएंगे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कानपुर की ही कुछ साइट सीन आपको डेली दिखाता रहूँगा। हो सकता है वीक में दो वीडियो या वीक में एक वीडियो आपके पास आए, पर आएगी ज़रूर, ये प्रॉमिस रहा। और चलते हैं घर की तरफ, ये भाई नज़ारे हैं, आप देख लीजिए कैसा शूट कर रहा है GoPro Hero 8। थोड़ा सा आपको और बढ़िया व्यू दिखाता हूँ। अब ऐसे देखिए, ये देखिए,
तो काफ़ी वाइड वीडियो शूट करता है ये, और साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, मस्त है। तो जाइए आप GoPro Hero 8 परचेज करिए, अगर आपको परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ नीचे, और जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, सेफ रहिए। और जिन लोगों ने, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई, वो वैक्सीन जाकर लगवाएं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।